डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेज सिंह है। आज हम आपको यूनियन स्ट्रेंथ स्टोरी पढ़ाएंगे। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड फोर सन्स। उसके चार पुत्र थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। द फार्मर वाज वेरी सैड। किसान बहुत उदास था। ही एडवाइज्ड देम नॉट टू क्वारल। उसने उनको झगड़ा न करने की सलाह दी। बट इन वेन। परंतु व्यर्थ रहा। वन डे द फार्मर फेल इल। एक दिन किसान बीमार हो गया। ही न्यू दैट हिज एंड वाज नियर। उसने जान लिया कि उसका अंत नजदीक है। ही कॉल्ड हिज सन्स। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने उनको एक लकड़ियों का गट्ठा दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने उनको इसे तोड़ने के लिए कहा। बट दे फेल टू डू सो। परंतु वे उसे तोड़ने में असफल रहे। देन द बंडल वाज अनटाइड। फिर गट्ठे को खोला गया। द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों को एक एक करके तोड़ने के लिए कहा। ईच सन ब्रोक द स्टिक्स। प्रत्येक पुत्र ने लकड़ियों को तोड़ा। द फादर सैड बी यूनाइटेड लाइक द बंडल। पिता ने कहा कि गट्ठे की तरह मिलकर के एक रहो। इफ यू आर यूनाइटेड। यदि तुम एकता में रहोगे नॉन विल हार्म यू। तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द सन्स लर्न ए लेसन। पुत्रों ने एक शिक्षा ली। दे नेवर क्वारल्ड अगेन। वे दोबारा कभी नहीं झगड़े। मॉरल शिक्षा। यूनियन स्ट्रेंथ। एकता में बल है। एक बार दोबारा देखें। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड फोर सन्स। उसके चार पुत्र थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। द फार्मर वाज वेरी सैड। किसान बहुत उदास था। ही एडवाइज्ड देम नॉट टू क्वारल। उसने उनको झगड़ा न करने की सलाह दी। बट इन वेन। परंतु व्यर्थ रहा। वन डे द फार्मर फेल इल। एक दिन किसान बीमार हो गया। ही न्यू दैट हिज एंड वाज नियर। उसने जान लिया कि उसका अंत नजदीक है। ही कॉल्ड हिज सन्स। उसने अपने बेटों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने उनको एक लकड़ियों का गट्ठा दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने उनको इसे तोड़ने के लिए कहा। बट दे फेल टू डू सो। परंतु वे उसे तोड़ने में असफल रहे। देन द बंडल वाज अनटाइड। फिर गट्ठे को खोला गया। द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों को एक एक करके तोड़ने के लिए कहा। ईच सन ब्रोक द स्टिक्स। प्रत्येक पुत्र ने लकड़ियों को तोड़ा। द फादर सैड। पिता ने कहा बी यूनाइटेड लाइक द बंडल। गट्ठे की तरह मिलकर के इकट्ठे रहो। इफ यू आर यूनाइटेड। यदि तुम एकता में रहोगे नॉन विल हार्म यू। तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द सन्स लर्नड ए लेसन। पुत्रों ने एक शिक्षा ली। दे नेवर क्वारल्ड अगेन। वे दोबारा कभी नहीं झगड़े।
मॉरल शिक्षा, यूनियन स्ट्रेंथ एकता में बल है। हमें यह कहानी संदेश देती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहने से कड़ी आपत्ति का भी सामना किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपने इस तरह सीख लिया है। इसके बारे में कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।